प्रॉपर सिस्टम के, सर फोटोग्राफ नहीं प्लीज, बिना प्रॉपर सिस्टम के इस दुनिया में कुछ भी हासिल नहीं होगा। आपको चाय बनानी है, प्रॉपर सिस्टम चाहिए। आपको दिल्ली फरीदाबाद से सीपी पहुंचना है, प्रॉपर सिस्टम चाहिए। अगर आप हाउसवाइफ हैं, आपको दाल बनानी है, आपको प्रॉपर सिस्टम चाहिए। अगर आपको रोटी बनानी है, आपको प्रॉपर सिस्टम चाहिए। अगर आप रोटी को गर्म तवे में डालोगे, रोटी बनेगी। अगर आप गैस को बहुत तेज फ्लेम में रखोगे, क्या आप रोटी खा पाओगे? यानी रोटी बनाने के लिए भी एक प्रॉपर सिस्टम चाहिए, चाय बनाने के लिए प्रॉपर सिस्टम चाहिए, कागज में लिखने के लिए प्रॉपर सिस्टम चाहिए, बच्चे को एबीसीडी सिखाने के लिए प्रॉपर सिस्टम चाहिए, हर चीज के लिए प्रॉपर सिस्टम चाहिए, हर चीज के लिए प्रॉपर सिस्टम चाहिए। तो क्या 1,35,000 रुपए पर वीक के लिए प्रॉपर सिस्टम चाहिए होगा या नहीं? Yes. इसको फॉलो करने के लिए तैयार हो? पक्का yes. तैयार हो? Yes. अभी तक तो सिर्फ ट्रेलर चल रहा है, अभी मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट नहीं हुई है, अभी तक ये सिर्फ ट्रेलर है। ट्रेलर एक्साइटेड कर रहा है आपको? Yes. पक्का? Yes. अब ये सिर्फ ट्रेलर है, ये ट्रेलर चल रहा है, राइट? यू शुड फॉलो प्रॉपर सिस्टम। सबसे पहले रीजन चाहिए, आप इस बिजनेस में क्यों हैं? अब तक रीजन आपका कैसा था मुझे मतलब नहीं है। आज से सॉलिड रीजन चाहिए कि आप इस बिजनेस में क्यों हैं। सॉलिड मतलब एकदम सॉलिड। ये बिजनेस मुझे क्यों करना चाहिए, ये बिल्कुल क्लियर 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 होना चाहिए आपकी जिंदगी में, क्योंकि इस बिजनेस में बहुत रिजेक्शन है, इस बिजनेस में बहुत चैलेंज है। सिमरन जी है या नहीं है? इस बिजनेस में बहुत पंगेबाजी है, इस बिजनेस में बहुत किट-किट है, इस बिजनेस में बहुत मच-मच है, इस बिजनेस में बहुत इंसल्ट है, इस बिजनेस में बहुत दिक्कत है। ये बिजनेस आसान नहीं है। अगर आसान होता तो 10,000 लगा के 20 करोड़ ऐसे ही नहीं आ जाता सबको। आता है या नहीं आता है? इस कंपनी में है जिन लोगों ने 20 करोड़ कमाए या नहीं है? उन्होंने इन्वेस्टमेंट कितना किया था? क्योंकि ये बिजनेस बहुत टफ है, ये बिजनेस मजाक नहीं है, ये बिजनेस आसाराम बापू का लेक्चर नहीं है, ये बिजनेस हर पल अपने आप से फाइटिंग है, ये बिजनेस हर पल अपने शरीर और अपने दिमाग से फाइटिंग है, ये बिजनेस हर पल अपने शरीर और अपनी आत्मा से लड़ाई है। जिस इंसान के साथ आप साला पिछले इतने सालों से घूम रहे हो, वो आपका फोन नहीं उठाता है। जिस इंसान ने आपके बेटे को ए लिखना सिखाया, आपका दोस्त आपके घर में साला आपकी बीवी के हाथ की चाय पीते पीते बाल सफेद कर गया, साला फोन नहीं उठाता आपका? होता है या नहीं होता है? Yes. तो ये बिजनेस चैलेंज है या नहीं है? Yes. जो आपका क्लोज फ्रेंड था, औकात दिखा दी, साला 10,000 रुपए के लिए फोन नहीं उठा रहा, तो क्या ये बिजनेस मजाक होगा? No. ये बिजनेस बहुत बड़ा चैलेंज है। Yes. 100 करोड़ को 101 करोड़ तो कोई भी कर देगा, मनोज जी कहते हैं। बार बार मनोज जी के लिए तालियां होनी चाहिए, धमाल। बहुत बड़ी कलाकारी है? No. कलाकारी है? No. बहुत बड़ा ताज है? No. बहुत बड़ा सम्मान है? 10,000 को 1 करोड़ में कन्वर्ट करना सम्मान है। Yes. है या नहीं है? Yes. Yes. ये तो यही होता है ना खाली निस्विस में? Yes. Yes. और मुझे दिखाओ, कोई मुझे बोले 10,000 से धंधा स्टार्ट किया था 5 साल पहले, आज 20 करोड़ का मालिक हो, सट्टेबाजी को छोड़ के, जुए को छोड़ के, है कोई? हिमल जी, जिनको आप अपना बड़ा क्लोज मानते हो,
आपको एहसास होने लगेगा साला क्लोज नहीं है। इसके लिए 10,000 ज्यादा इंपॉर्टेंट थे मेरी क्लोजनेस से, इसके लिए 10,000 ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरी बात के। अरे मेरा दोस्त तो साला चाहे जैसा मर्जी बिजनेस कर रहा होगा यार, अगर मैं उसका दोस्त हूं मैं उसके साथ हो जाऊंगा, तेरे को विश्वास है ना, बस ले मैं तेरे साथ हूं, ऐसे ही होता है दोस्ती में। और आपका क्लोज फ्रेंड आपको मना कर रहा है, गलत तो नहीं बोल रहा, तो ये बिजनेस चैलेंज है या नहीं है? जितना बड़ा चैलेंज है उतना बड़ा रीजन आपके पास अगर नहीं होगा आप इस इंडस्ट्री में नहीं टिकोगे। जितना बड़ा चैलेंज है उतना बड़ा रीजन अगर आपके पास नहीं होगा आप इस इंडस्ट्री में नहीं टिक सकते। इस इंडस्ट्री में 3 साल टिकना बहुत जरूरी है। 3 साल तो नॉकिंग चलेगा खाली, आपके पास 3 साल में जो पैसा आया आपको 3 साल तक पता चलेगा कौन अच्छा है कौन बेकार है, कौन सही है कौन गलत है, कौन जेन्युइन लीडर है कौन फेक लीडर है, कौन जेन्युइन काम करने को तैयार है कौन खाली अपने आप को हाइप पे अपने आप को बस एडिफाई करने को तैयार है। 3 साल लगेंगे आपको सर एक एक चीज समझने में, मुझे किसके साथ काम करना है, कैसे काम करना है, कैसे नहीं करना है, क्या करना है क्या नहीं करना है। 3 साल चाहिए अगर जिंदगी भर बिना पैसे के बिना काम के पैसे चाहिए तो 3 साल इस इंडस्ट्री में भाई साहब तबीयत से लगे। ये लॉटरी का टिकट नहीं है, ये बिजनेस लॉटरी का टिकट नहीं है, नहीं है। ये बिजनेस स्कीम नहीं। 3 साल के लिए तैयार हो? Yes. अपने माइंड को प्रिपेयर कर चुके हो? Yes. 3 साल Yes. अगर नहीं किया था आज कर लो, लेकिन ये गारंटी है 3 साल के बाद एक आप एक ऐसी जिंदगी जी रहे होंगे, आप एक ऐसे मुकाम पे होंगे आपके बच्चों के मुंह से जो निकलेगा और अगर वो उनके लिए अच्छा है तो उनको वो देने में आपके पास पैसे की कमी नहीं पड़ेगी, ये मैं गारंटी देता हूं। साल पागल होने को तैयार हो? Yes. 3 साल किसी भी हालत में इस बिजनेस के प्रॉपर सिस्टम को फॉलो करने के लिए तैयार हो? Yes. 3 साल के लिए इस बिजनेस में चमकने को तैयार हो? Yes. 3 साल के लिए अपनी जिंदगी का हर चैलेंज उठाने को तैयार हो? Yes. 3 साल तक अपनी जिंदगी की हर ख्वाहिश मारने को तैयार हो? Yes. 3 साल तक पूरे सैक्रिफाइस करने को तैयार हो? Yes. 3 साल तक अपने बच्चों से दूर होने को तैयार हो? Yes. 3 साल तक अपनी बीवी से दूर होने को तैयार हो? Yes. होना पड़ेगा सर, जिंदगी भर अगर उनको गले से लगा के रखना चाहते हो तो 3 साल ये कीमत अदा करनी पड़ेगी। 3 साल ये देनी पड़ेगी कीमत सर, देनी पड़ेगी मतलब देनी पड़ेगी, शॉर्टकट नहीं है राजजी, इस बिजनेस में कामयाब होने का शॉर्टकट नहीं है, इस बिजनेस में कामयाब होने का शॉर्टकट नहीं है मतलब नहीं है, नहीं है। मेंटली प्रिपेयर करना पड़ेगा सर आपको। मैंने पहले कहा ये कॉमेडी किंग कपिल शर्मा का शो नहीं है, आज आप सीखने के लिए आए हो। मुझे देखो, इसी फरीदाबाद में औरतों को चूड़ियां पहनाता था हैप्पी फैंसी स्टोर, 5 नंबर की सब्जी मंडी, पूरी सब्जी मंडी में फेमस हूं, वो तो कोई नंबर 2 का काम करता है, बड़ी बड़ी गाड़ियां उसके पास, यहां चाय वाले से लड़ता था, साले 2.5 रुपए की चाय क्यों कर दी, 2 की थी, आज मर्सिडीज में घूमता है, कोई नंबर 2 का काम। एक बार मैं गया
किसी के घर हस्बैंड वाइफ के साथ बात चल रही है, हस्बैंड चेक लेके सामने बैठा है, साइन करके अमाउंट भर के सामने बैठा है, अंदर बीवी चाय बना रही है, चाय लेके आया, शक्ल बदल गई, दीपक जी नहीं करूंगा, मैंने कहा क्यों नहीं करेगा, कारण बता, कह रहा नहीं करूंगा, मेरी बीवी कह रही है आप झूठ बोल रहे हो, आप 11वीं 12वीं पास नहीं हो, आप तो एमबीए शमबीए किए हो, आप कोई बहुत क्वालिफाइड हो, आपने एमबीए किया होगा, मार्केटिंग में एमबीए किया होगा, बहुत पढ़े लिखे हो, आप झूठ बोल रहे हो कि मैं छोटी सी दुकान चलाता था, मैं औरतों को चूड़ियां पहनाता था। मैंने कहा बुला लो देवी जी को, प्लीज एक बार थैंक यू तो बोल दूं, आपने चाय बनाई, जैसी वो आई पकड़ लिया हाथ ऐसे टक टाइट सा कड़ा डाला हुआ था, उतार दिया ऐसे हाथ में दे दिया, तेरी भिवाई तो इतने सालों से उतरता नहीं था, कह रही भैया ये तो इतने सालों से उतरता नहीं था, आप एक बार तैरना सीख गए जिंदगी भर भूलोगे नहीं, एक बार साइकिल चलाना सीख गए जिंदगी भर भूलोगे नहीं, एक बार चूड़ी पहनाना सीख गए जिंदगी भर भूलोगे नहीं, यहां 16 साल के बाद पहनाई है, भूला तो नहीं हूं, हाथ सही पकड़ा मैंने, मनियारी वाले लोग ऐसे ही हाथ पकड़ते हैं, हर लेडी को पता है इसके हाथ पकड़ने का तरीका, ये टेक्निक, इसको चूड़ी पहनाने की आती है या नहीं आती है, सिमरन जी गलत तो नहीं बोल रहा हूं, सही बोल रहा हूं, आपको क्या लगा मेरा दाढ़ी हाथ है यार, जोर से बोलो चिल्ला के, बिल्कुल अब तो मेरे लिए तालियां बनती हैं यार, मैं क्या था, इस इंडस्ट्री ने मुझे क्या बनाया, इसको कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, इसको कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, ये आपको चाहिए अपनी जिंदगी में या नहीं चाहिए, कुर्बानी मांगता है सर ये बिजनेस, कुर्बानी सैक्रिफाइस, कीमत 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 कीमत, इस दुनिया में हर चीज की कीमत है, और हम इस बिजनेस को सिर्फ स्कीम की तरह कामयाब हो जाना चाहते हैं, एक ही बार में बस मुझे कामयाब होना है, साला मैं जिसको बुलाऊं उसको जुड़ना चाहिए, मैं जिसके सामने बैठू उसको जुड़ना चाहिए, रिजेक्शन के लिए तैयार अगर नहीं होगे, क्या सचिन तेंदुलकर जब से बैट पकड़ा उसका विकेट कभी नहीं उड़ा, उड़ा या नहीं उड़ा, उड़ा या नहीं उड़ा, उड़ा या नहीं उड़ा, आज सचिन तेंदुलकर क्रिकेट का भगवान है या नहीं है, अगर ये भगवान बोलता साले और शोएब अख्तर तेरी क्या औकात, मुझे आउट कर दिया तूने, मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं, तेरे को क्या नहीं छोड़ूंगा, तूने आउट कर दिया, मेरी इंसल्ट हो गई, साला मैं क्रिकेट ही नहीं खेलूंगा, आज होता वो सचिन तेंदुलकर, चार लोग मना करते हैं, धंधा बेकार है, अबे बेकार है यार, सच में बेकार है, उन लोगों के लिए सच में बेकार है जिनको बस अपनी नाक ऊपर रखनी है खाली, जो रिजेक्शन के लिए तैयारी नहीं है, सिर्फ नाक ऊंची रखने से जिंदगी में कुछ हासिल नहीं होगा सर, तैयार रहना पड़ेगा, रीजन होना चाहिए प्रॉपर कि आप इस बिजनेस में क्यों आए हैं, आपको क्या चाहिए इसी जिंदगी से, 84 लाख योनियां बिताने के बाद एक प्राणी को इंसान का जन्म मिलता है, ये बात आप लोगों ने सुनी है, ये सुनो yes. सुनी है yes. जब 84 लाख योनियां बिताने के बाद ही ये शरीर मिला है तो क्यों ना इसी जन्म में इस दुनिया के सारे सुख लिए जाए, ये सुनो yes. और अगर इसी जन्म में इस दुनिया के सारे सुख लेने हैं उसके लिए पैसा चाहिए, ये सुनो yes. पैसा कमाना है, ये सुनो yes. सक्सेस फॉर्मूला